शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साहब अंदर है, नहीं शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसका फोन आ गया। मैं तो अभी इनको क्या जवाब दूं? हाँ मैम बोलिए ना। दिनेश तुम साहब कहाँ हैं तुम्हारे? वो मैम एक्चुअली साहब का फोन मेरे पास ही रह गया है। आज तो वो मेरे साथ डिनर पर जाने वाले थे, तुम्हें बताया नहीं उन्होंने? नहीं नहीं मैम एक्चुअली क्या हो गया ना कि दिल्ली से एक अचानक अर्जेंट पार्टी आ गई थी तो साहब उन्हीं के साथ मीटिंग में बिजी है, तो वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं उनको बताता हूँ कि आपका कॉल आया था। ओके क्या नाटक लगा रखा है? मन तो करता है तुम्हारा खून कर दो। आज आपका डिनर का बोलकर कहाँ गायब हो गए थे? अरे भाई जरूरी मीटिंग थी, अब मीटिंग छोड़ के थोड़ा आ सकता हूँ, जाना पड़ा। तुम्हारी मीटिंग कभी नहीं खत्म होने वाली। सोच रही थी कि आज तुम मुझे किसी कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाओगे, लेकिन तुम तो क्या तुम तो तो सुनो ना, आदि के स्कूल से फोन आया था, हमें शायद अगले हफ्ते उससे मिलने जाना होगा। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ पे प्यार के मूड में हूँ और तू ना जाने इधर उधर की बातें लेके बैठ गई है। क्योंकि अब मेरा मूड नहीं। अच्छा, अरे भाई हमें कौन सा तुम्हारा मूड बनाने में टाइम लगेगा? कैंडल लाइट डिनर पर चले। सर आदमी पैसा क्यों कमाता है? शौक पूरा करने, तो शौक पूरा कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। मेम साहब किसी वक्त मिलेंगे ना? अंदर जाओ, मेम साहब अंदर ही होंगे। ठीक है, उन्हें कहना कि दिनेश ने बोला। ओके We'll be right back.
कौन थी ये? सर वो सब मेरा दिमाग खराब कर रही थी कि मेड चाहिए मेड चाहिए। ये मेरे घर के बाजू में ही रहते हैं और इसे काम की जरूरत भी है, मैं लेकर आ गया इसको। आज रात को मुझे यही चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये घर गृहस्थी वाली है, इसे मरवाएंगे आप मुझे। तभी तो अच्छा नाम है सर। अरे रहने दे सब, देख पैसे की भूख है ना सबको होती है, इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए आई है, समझा तू? सर प्लीज आप समझ नहीं रहे। अरे सब समझ रहा हूँ, कहा ना आज रात को बिस्तर पे मुझे यही चाहिए, वरना तेरी जॉब गई। ये क्या बात कर रहे हैं आप, देखिए मैं कुछ और इंतजाम आपको करके देता हूँ। ठीक कहा ना तुझे, मुझे यही चाहिए, समझा तू? बाला आओ, ये मेम साहब के हस्बैंड है। नमस्ते साहब, मेम साहब ने मुझे नौकरी पर रख लिया है, कल से ही बुलाया है। मेम साहब बहुत अच्छी है। ठीक है आओ फिर। ठीक सर। आशीर्वाद होगा, आज रात को ये लड़की मुझे चाहिए। देखता हूँ सर कुछ। चल चल लज्जा काम पे। माला माला कहाँ हो तुम? साहब आप नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों? बैठे ना साहब, हमारे घर आप आए। मैं एक चाय बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए। हम और साहब यहाँ चाय पीने नहीं आए, तुम्हारी मदद करने आए। मदद तो मेरी हो गई है, मेम साहब ने तो नौकरी पे रख लिया, कल से बुलाया है। नहीं नहीं मैं तुम्हारे हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, वो भी अपने जॉब के लिए कितना यहाँ वहाँ ठोकरे खाता घूम रहा है। उनको अभी नौकरी नहीं मिला है, ढूंढ रहे हैं। हाँ तो बस इसीलिए साहब यहाँ आए हैं कि कल से साहब की कंपनी में अपने हस्बैंड को भेज देना जॉब के लिए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग खड़े क्यों? अब चाय बना के लाती हूँ। नहीं 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 उसकी कोई जरूरत नहीं। दिनेश मैं आगे का काम समझा दूँ। हाँ सब समझा देता हूँ। सब मैंने पानी तो पी के जाता साहब। माला सुनो, देखो ऐसे में तो बार बार नहीं आते, और तुम्हारे बेरोजगार पति को अच्छा पगार मिल जाएगा और तुम्हें भी मिल जाएगा ना, ये कुछ घाटे का सौदा तो है नहीं। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, मैं तो तुम ये नौकरी भी भूल जाओ। अच्छे गई सर, आप विशाल सेठ हैं ना? आप यहाँ हमारे घर? अरे भाई हम तो आपको जॉब ऑफर करने के लिए आए थे, आप हमारी कंपनी में जॉब करेंगे ना? वैसे हमने आपकी बीवी को अपने घर पे काम पे रख लिया है। हाँ माला ने मुझे तुरंत ही फोन करके बता दिया था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा मैं, और कल से काम पे आ जाऊंगा मैं। जी ठीक है आप आ जाइए। जी जी चले सर। हाँ मेरा गाड़ी चले। अरे माला इतने अच्छे ना विशाल से, हाँ हम दोनों को एक साथ काम पर रख दिया, अब हमारे बुरे दिन गए माला। नमस्ते सर। एक कप चाय लाओ ना मेरे लिए। जी सर। तो मेरे पति को पता चल जाएगा ना तो वो मुझे जिंदा जला देगा तब। मुझे नहीं पता चलेगा, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा काम कर रही? बहुत अच्छा काम कर रही। माला सुनो, जरा हमारे बेडरूम की भी सफाई करते हैं। पूछे सुन। ठीक है, तुम चाय क्यों लेके आ रही हो? माला कहाँ है? चाय ना, उसकी छोटी बहन आई है तो उसने कुछ दिन की छुट्टी ली है। अरे वाह, अभी दो दिन नहीं हुए काम पर लगे, अभी से छुट्टियां लेना छोड़ दी? अरे कोई बात नहीं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है अब सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। ओह दैट्स सो स्वीट। अच्छा मैं जाके लंच की तैयारी करती हूँ। ठीक। दिनेश जल्दी से घर आ जा, माला के घर चलना है, इस औरत के नखरे कुछ ज्यादा पड़ते हैं। जी सर, मैं अभी आता हूँ। माला, माला जी कहिए। माला कहाँ है? जी आप कौन? माला को बुलाओ। जी वो अंदर है, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। अब दी, दी कोई आया है आपसे मिलने? दी जरा जल्दी बाहर आइए ना प्लीज। साहब आप क्या नाटक लगा रहे हो? दी आप बात कर रही हूँ, किचन का काम कर रही हूँ। ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या बात हुई थी हमारी? सुनो, मुझसे अब ये मुमकिन नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। समझे? अब समझना मुझे नहीं है, समझना तुम्हें और अपनी बहन को भी समझाना है कि वो भी तुम्हारे साथ साथ राजी हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? इन्होंने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। साहब मैं तो राजी हूँ ना, अब इस सब में मेरी बहन को क्यों घसीट रहे? मैं क्या हाथ जोड़ते, मेरी बहन को मत घसीटिए साहब, मेरी बहन को मत घसीटिए। क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम है जब कोई लड़की मुझे भा जाती है ना, और जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है, उसके बाद वो मुझसे नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये सब होने नहीं दूंगी। अच्छा, नेट रमन कहाँ है? वो अपने फैक्ट्री में है। फैक्ट्री अपने लोगों को बोलो उसको काम तमाम कर देंगे। सर क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ मैं? मैं आपको पैक करती हूँ, ऐसा मत करो सर। टीबी, मैंने सब कुछ सुन लिया और इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रेडी। हाय, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। देखो अपनी बहन से कुछ सीखो, बहुत जरूरत है तुम्हें सीखने की। खा छोड़ो, तुम दोनों को अपने फॉर्म हाउस पर ले जाए और आराम से सिखा दूंगा सब कुछ। दिनेश ऐसा करो, इन दोनों को अपने फॉर्म हाउस पे ले चलो। हेलो विशाल। हाँ बोलो। मुझे आदित्य की मैम का फोन आया था, उन्होंने कल हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तुम जल्दी घर आ जाओ ना। अंजलि अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। विशाल कभी तो फैमिली के लिए टाइम निकाल लिया करो, तुम्हें काम की इतनी क्या पड़ी है? देखो तुम ऐसे परेशान हो रही हो। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं दिनेश को भेज देता हूँ, तुम उसके साथ चलिए। विशाल तुम मेरे पति हो या दिनेश, तुम घर के काम के लिए भी दिनेश को बोल देते हो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, दैट्स इट। अंजलि मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में फंसा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ।
मैं रख रहा हूँ। क्या हुआ साहब? अरे यार, मैं आंटी को लेकर शॉपिंग पे चलूँगा, ठीक है? और मैं यहाँ पर इन दोनों ब्यूटीज को संभाल रहा हूँ। अरे हाँ, माला कई दिन से काम पर नहीं आई थी, तो पता चला उसकी तबीयत खराब है, तो उसका हालचाल लेने चला है। हाँ, वो उसकी बहन आई हुई ना, तो इसी थोड़ा उसके साथ दीजिए। पता चला, चलो ठीक है, मिलते हैं। जी सर। विशाल कहाँ रह गए, जल्दी आओ ना, लेट हो जाएंगे। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया। बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे बेटे से मिलने के लिए। अरे मैडम, तुमसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। मैंने अपना पूरा सामान पैक करके पहले से गाड़ी में रख दिया है, समझी तुम? चलो बैठो गाड़ी में। अरे किसका मैसेज आ गया? दरवाजा तो खोलो। हाँ। एक मिनट अंजलि। अंजलि। क्या हुआ विशाल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे? नहीं कुछ नहीं। अंजलि, मैं ना आदि से मिलने नहीं जा पा रहा। देखो मेरी बात समझो, मेरी बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग आ गई है। मेरा जो क्लाइंट है ना, फॉरेन से आया है मुझसे मिलने के लिए। और देखो, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ मिलने के लिए, प्लीज मेरी बात समझो। ये बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम, कितने दिन हो गए हम मिले नहीं आदि से, हम तुम अभी मना कर रहे हो। एक्चुअली मैं सब समझता हूँ,
लेकिन जितना आदि से मिलना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा मुझे इस क्लाइंट से मिलना इम्पोर्टेंट है। और वैसे तुम तो जा रही हो ना मिलने के लिए, और तुम मिलो या मैं मिलूं एक ही बात है ना। प्लीज ठीक, मैं दिनेश को बोलूंगा, वो तुम्हें छोड़ा है। ठीक है, मैं जाती हूँ।